जमात इस्लामी ने पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट को चलाने की पेशकश कर दी। हाफिज नईम कहते हैं कि जमात इस्लामी के इंजीनियर्स पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट को चलाने की सलाहियत रखते हैं। प्लांट को बहाल करने पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। ऑक्सीजन का जो प्लांट पाकिस्तान स्टील में मौजूद है, जिसकी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और अगर वो कैपेसिटी हम हासिल कर लें तो हम बहुत बुरी सूरत हाल को भी हैंडल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखती तो कम से कम हम ये बात जानते हैं कि जमात इस्लामी का जो पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम है उसके हवाले कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम इसको फौरी तौर पर जितनी जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके इसको चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो हम पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के लोग ऑन बोर्ड हैं। अगर हुकूमत बिल्कुल इनके पास कोई एहलियत नहीं है और नहीं चला सकते हैं तो हमारे वाले कर दें, हम इंशाअल्लाह ताला इसको चला कर दिखा देंगे।